बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 मई 2021 सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बर वक्त आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है वैक्सीन, स्कूलों, दफातर, तफरीही मकामात की, और इसके अलावा बात होने वाली है फ्लैट्स के हवाले से, छुट्टी से वापस ना आने वालों की, इसके अलावा किंग फहद पुल के बारे में सफ़र करने वालों की, इसके अलावा और भी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। कोरोना से कम आमदनी वाले अफ्रीकी ममालिक ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी तरक्याती फंड अफ्रीका के साहली ममालिक के तरक्याती मंसूबों में 1 अरब रियाल के लगभग सरमाया लगाएगा और यह काम फ्रांस की तरक्याती एजेंसी के तआवुन से किया जाएगा। वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब का तरक्याती फंड अफ्रीका के तरक्की पजीर ममालिक में 3 अरब रियाल से ज़्यादा मालियत के प्रोग्राम मुस्तकबिल में नाफिज करेगा। ये रकमें कर्ज़ों, अतियात और मनसूबा जात की शक्ल में खर्च की जाएंगी। उन्होंने कहा सऊदी अरब ने 50 अरब से ज़्यादा दरख्तों की शजरकारी के लिए ग्रीन मशरक़ वस्ता का ऐलान किया है, इससे अफ्रीकी ममालिक भी फ़ायदा उठाएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अफ्रीकी ममालिक की मदद से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने पर फ्रांसीसी सदर का शुक्रिया अदा भी किया। 1 अगस्त से स्कूलों, दफातर, तफरीही सरगर्मियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट इदारों, स्कूलों और कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, तकरीबात और तजारती सरगर्मियों में शिरकत के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ये पाबंदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्तफादे, उसाद्दा और उस्तानियों की ड्यूटी, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तालीमी अमले, पेशा वराना टेक्निकल जो तरबियत के इदारे हैं उसमें हाजिरी पर भी लागू होगा। फैसले पर अमल दरामद इतवार 1 अगस्त 22 ज़िलहज्जा से होगा। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत दाखिला के अहदेदार ने बयान में कहा कि सऊदी अरब के मुतलका इदारों की सिफारिश पर कोरोना वायरस से निमटने और अवाम की सेहत और सलामती की खातिर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। 1 अगस्त 2021 से इक्तसादी, तजारती, सकाफती और तफरीही या स्पोर्ट्स प्रोग्राम में वैक्सीन के बगैर हिस्सा नहीं लिया जा सकता। किसी भी सकाफती या इल्मी या समाजी या तफरीही प्रोग्राम में वैक्सीन के बगैर शिरकत मना होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक किसी भी सरकारी या प्राइवेट इदारे में ड्यूटी देने या काम कराने के लिए वही लोग जा सकेंगे जो वैक्सीन ले चुके हों। सरकारी या प्राइवेट तलीमी इदारे में वैक्सीन के बगैर दाखिला मना होगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए वैक्सीन लाजमी होगी। बयान में कहा गया उसाज़ा, उस्तानियों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, ट्रेनिंग सेंटर, तकनीकी पेशा वाराना ट्रेनिंग के आला इदारे में मामूल के मुताबिक तलीम और ट्रेनिंग के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी होगा। वजारत सेहत और तलीम तलबा के कैटेगरी की निशानदही करेंगे कि किन पर यह शर्त लागू होगी। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के वैक्सीन लगवाने का पता तो कल एप्लीकेशन के जरिए लगाया जाएगा। हर इदारा पाबंदियों पर अमल दरामद का तरीकाकार अपने तौर पर जारी करेगा। नायाब तरीन कछुओं का जद्दा के स्पेशलिस्ट सेंटर में इलाज। सऊदी अरब में रेड सी कंपनी ने दुनिया के 2 नायाब तरीन कछुए अलवकादी जजीरे में वापस भेज दिए। ये बीमार थे और इलाज के बाद उन्हें फितरी माहौल के हवाले कर दिया गया। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रेड सी कंपनी में नायाब समुद्री जानवरों की सेहत और सलामती के डायरेक्टर खालिद अल दहलवी ने बताया कि 2 अप्रैल 2021 को इदारे से राबता करके बताया गया था कि तामारती टीम को कछुए मिले थे जो पानी में जाने से कासिर थे। उनकी जो है उनको स्पेशलिस्ट अस्पताल सेंटर भेजा गया जहाँ कई हफ्ते तक उनका इलाज होता रहा। उसके बाद उनको दोनों को सेहत याब होने पर जजीरा अलवकादी में छोड़ दिया गया जो कि उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है। जद्दा में सैलाबी पानी की निकासी के लिए मुआहदा कर लिया गया। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपलिटी ने सैलाबी पानों के जो नाले हैं उसका इंतजाम करने और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को कम करने का मुआहदा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी ने मंगल को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि अलखोडेफ वाटर एंड पार्क टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ 115.32 मिलियन रियाल का मुआहदा किया गया है। कंपनी का कहना है कि 3 साल मुआहदे में शुमाली जद्दा में सैलाबी पानी के नेटवर्क और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी को कवर किया गया है। SGC दुनिया की 44 बेहतरीन डिजिटल कंपनियों में शामिल। SGC जो है दुनिया भर की बेहतरीन 44 डिजिटल कंपनियों की फहरिस्त में शामिल होगी। उसकी मार्केट वैल्यू 64.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। आजल वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल मैगजीन फॉर्ब्स की दर्जाबंदी के हवाले से SGC मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनियों की सर फहरिस्त आ गई। इसकी वैल्यू में 37.7% का इजाफा हुआ है।
छुट्टी से वापस जो है ना जाने वाले कारकुन अपने हकूक और वाजबात के लिए क्या करें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए काम और रहायशी कवानीन वाज़े होते हैं जिन पर अमल करना सब के लिए लाजमी होता है। आजर और अजीर के हवाले से कवानीन भी मौजूद हैं, उनसे आपके लिए आगाही ज़रूरी है। इन्फो टीवी के सामने ने अपने मसाइल और कवानीन के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। माजिद अली पूछते हैं कि जो लोग छुट्टी आए थे कोरोना की वजह से वापस नहीं गए, कफील भी जवाब नहीं दे रहा जबकि उनके हकूक बाकी हैं, वो क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कोरोना की वजह से छुट्टी गए थे उनके कामे और रुजुदा की मदद में तोसी के लिए हुकूमत ने ये सहूलत फ्राहम कर रखी है उनके कफील और अबशर के अकाउंट पर कि आपके छुट्टी और जो है आपके इकामे में मतलूबा फ़ीस पे करने के बाद उसमें तोसी कराई जा सकती है। ऐसे तारकीन जिनके वाजबात कफील के ज़िम्मा वाजबुल अदा हैं, उन्हें चाहिए कि वो ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है उसके ज़रिए से सफारत खाने को अपनी तमाम तफसीलात फ्राहम करें, साथ ही जितने वाजबात आपके पेंडिंग हैं उसका भी जिक्र किया जाए ताकि जो सफारत खाना है उसके ज़रिए वकालत करते हुए लेबर कोर्ट में आपका केस दायर किया जाए। वजारत जो समुंदर पार ओवरसीज़ जो होता है उसको जब दरख्वास्त दें तो उसमें इस बात का भी जिक्र करें कि आप वापस नहीं जा सके जिसकी वजह से कफील या कंपनी ने आपके स्टेटस को खुरूज वला मियाद यानी कि नॉट रिटर्न की कैटेगरी में डाल दिया है। इस दौरान ब्लैक लिस्ट किए जाने वाला गैर मुल्की जो है वो सऊदी अरब वापस नहीं आ सकता। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी वजारत अफरादी कुव्वत की वेबसाइट पर अपना केस दायर कर सकते हैं और इसमें यह ज़रूर लिखें कि आपने कफील से रबता करने की कोशिश की मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला, आपके ने हकूक बाकी हैं। तहम ये बेहतर होगा कि आप अपने सफारत खाने के ज़रिए केस दायर करें क्योंकि दरख्वास्त अरबी में होना लाजमी है और सफारत खाने में इस हवाले से बाकायदा एक शोबा काम करता है और इसके अलावा आपको कोई इसमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। खालिद बलोच ने सवाल किया है कि आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब आया था, एजेंट के जरिए एक साल गुजरने के बाद एजेंट ने मुझसे 2600 रियाल लेकर मेरा एक साल का वीज़ा बढ़ा दिया, जिसके 4 माह बाद मैंने चेक कराया तो पता चला मेरा इकामा नहीं बढ़ा बल्कि हरूफ लगा दिया गया है। कफील को फ़ोन किया मगर उसने जवाब नहीं दिया जबकि एजेंट ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। हरूफ लगे हुए भी 4 साल हो गए हैं, मालूम ये करना है कि किस तरह खुरूज रहाई जा सकता हूँ या कफालत तब्दील करा सकता हूँ। सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई कानून नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, ये सिर्फ एजेंटों की ईजाद करदा इस्तलाह है जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं। आपके बकौल आपका हरूफ लगे 4 साल हो गए हैं, इसका कैंसिल कराना इंतहाई मुश्किल काम है और हरूफ ख़त्म हुए बगैर इकामा तजदीद नहीं हो सकता ना ही कफालत की तब्दीली, इसलिए बेहतर है कि आप सफारत खाने के शोबा वेलफेयर से रबता करें जहाँ से आपको तरहील के ज़रिए खरूज लगाया जाएगा। ये भी याद रखें कि तरहील के ज़रिए खरूज लगा कर जाने वाले दोबारा सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते नए कानून के मुताबिक। फहद पुल से सफ़र करने वालों की तादाद फिर बढ़ने लगी। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल से सफ़र करने वाली की तादाद में फिर इजाफा देखने में आया है। अलवतन अखबार के मुताबिक पुल इंतजामिया का कहना है कि तजवीज़ है क्रैश से बचने के लिए मुसाफिर ऑनलाइन बुकिंग कराएं और पुल इंतजामिया ऑनलाइन बुकिंग के इंतजाम करें। ताहम पुल इंतजामिया का कहना है कि फ़िलहाल तजावीज़ पर अमल करनी जो है कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सूरत हाल कंट्रोल में है। उनका मजीद कहना था कि पहले से ही एहसास था कि पुल से सफ़र करने वालों की तादाद ज़्यादा होगी। उनका कहना था कि इंतजामिया के मुताबिक हद से ज़्यादा गाड़ियों और मुसाफरों को तेज़ी से निपटाने के लिए मुखालिफ सिमत के रूट से भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदी ख़त्म होते ही सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स की रौनकें बहाल हो गईं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक साल से ज़्यादा अरसे तक सऊदी शहरियों के लिए मुअत्तल किए जाने वाला सफ़र दोबारा शुरू हो चुका है। सऊदी अरब की फ़ज़ाई ज़मीनी और समुद्री रास्तों के ज़रिए सफ़र का सिलसिला दोबारा शुरू होते ही जो सऊदी शहरी जो सफ़र का इंतज़ार कर रहे थे और जो है उनको इजाज़त मिली तो एकदम से जो है अभी रौनकें दोबारा से बहाल और रश नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट पर मुसाफरों की आमद रफ्त और ट्रैफिक की रवानी नहायत मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। टर्मिनल्स में सिर्फ उन लोगों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास एयर टिकट मौजूद या किसी मजदूर के साथ मुसाफिर के तौर पर मुआवन के तौर पर आए थे। हुकाम की जानिब से नाफिज किए गए ताज़ा तरीन कवायद के मुताबिक 18 साल से कम उम्र सऊदियों को सऊदी सेंट्रल बैंक की तस्दीकशुदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सर्टिफिकेट देना होगा जो दूसरे ममालिक में कोरोना के इलाज के खर्चे बर्दाश्त करेगा। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बरए शहरी हवाबाजी ने भी ताज़ा तरीन सफरी हदायत जारी की हैं जिनमें मुल्क की तवक्कलना COVID-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन को ज़रूरी करार दिया गया है। ये शराइत तमाम मुसाफरों पर लागू होंगी, ख्वाह वो सैर व तफरी के लिए जा रहे हों, पढ़ने जा रहे हों, किसी काम या इलाज की घर से बाहर जाना चाहते हों। सऊदी अरब के 9 हवाई अड्डों से तकरीबन 385 बैन अवी परवाज़ें रवाना हुई और इसके अलावा आपको बताते चलें कि 300 के करीब गाड़ियां जो हैं वो ज़मीनी सरहद अबूर करके पहले दिन ही कतर में दाखिल हुई। सऊदी अरब के कौमी एयरलाइंस सऊदिया ने भी 30 ममालिक की 43 मंजिलों के लिए दोबारा परवाज़ें शुरू की हैं।
अल सऊदीया के डायरेक्टर जनरल इब्राहिम अल उमर ने बताया कि सऊदी एयरलाइन ने दौरान परवाज के तमाम मराहल में 50 से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर नाफिज की हैं। उन्होंने बताया कि एयरलाइन पैसेंजर एक्सप्रेस एसोसिएशन ने सऊदी एयरलाइन को दुनिया की 10 महफूज तरीन एयरलाइंस में शामिल किया है। उनका कहना था कि वबा के शुरू होने के बाद से एयरलाइन ने 1,00,000 से ज़्यादा परवाजें चलाई हैं और 1,00,000 से ज़्यादा मुसाफरों को जो है वो नकल व हमल में जो है वो सहूलत फराहम की है। बैन अल-अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू होने के बावजूद सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 13 ममालिक के बराह रास्त या बिलवास्ता सफ़र पर पेशगी इजाज़त के बगैर पाबंदी आयद है। इन ममालिक में लीबिया, अफगानिस्तान, इंडिया, शाम, ईरान, सोमालिया, रूस, लेबनान और तुर्की, कांगो और वेनेज़ुएला शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने यह भी बताया कि बहरीन जाने वाले मुसाफरों के लिए लाजमी होगा कि उन्होंने वैक्सीन की 2 खुराकें ज़रूर ली हों। 18 साल से कम उम्र बच्चे वहाँ का सफ़र करने के अहल नहीं हैं। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।